हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू GDC ई ट्यूटर। आज मैं आप लोग को कोगुलेटिंग फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या होता है कोगुलेटिंग फैक्टर्स। आपने देखा होगा जब भी हमको चोट लगती है तो उसके ऊपर कुछ जेल टाइप एक लेयर बन जाता है, ब्लैकिश कलर या ब्राउन कलर का, जिसकी वजह से खून बहना बंद हो जाता है। तो वो किस कारण से होता है? वो होता है कुछ फैक्टर्स की वजह से होता है, जिसको हम कोगुलेटिंग फैक्टर्स कहते हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए हम डिस्कस करते हैं। कोगुलेशन और क्लॉटिंग इज द प्रोसेस बाय विच ब्लड लूज़ इट्स फ्लूइडिटी एंड बिकम्स अ जेली लाइक मास। तो मैंने अभी आपको यही बताया कि जब भी हमको चोट लगती है तो चोट लगने से जैसे खट आया अपने बॉडी में, यहाँ से ब्लड निकलना चालू हुआ, फिर थोड़ी देर बाद हम देखेंगे यहाँ ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का कुछ जम जाता है, जेली टाइप का मांस जम जाता है जो कि खून को बहने से रोकता है, उसी को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ओके, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन, कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं ब्लड कोगुलेशन में, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। कोगुलेशन ऑफ ब्लड अकर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस। कोगुलेशन यानी खून जमना में एक रिएक्शंस होता है, एक सीरीज होती है रिएक्शंस की। बाय एक्टिवेशन ऑफ ग्रुप ऑफ सब्सटेंस, इसमें क्या होता है, रिएक्शन हो रहा है तो एक बहुत सारा सब्सटेंस क्या हो रहा है, एक्टिवेशन हो रहा है। ओके, अब द सब्सटेंस नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग आर कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर्स। जो सब्सटेंस ब्लड को जमाने के लिए यानी क्लॉट के लिए जरूरी है, उन सबको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ओके, क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होता है, एक प्रोटीन ही होता है जो कि एंजाइम के फॉर्म में वर्क करता है। रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ प्रो एंजाइम्स टू एक्टिव एंजाइम्स। तो क्या होता है, इसमें जो रिएक्शंस है प्रो एंजाइम से उनको एंजाइम में बदलना रहता है। अब प्रो एंजाइम क्या है, प्रो एंजाइम क्या होता है, इसमें आपका जो इनएक्टिव एंजाइम्स रहता है फिर दूसरे एक कोफैक्टर के प्रेजेंस में ये एंजाइम एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। अब आते हैं हम स्टेप्स ऑफ कोगुलेशन के बारे में, कि कैसे, कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आप मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। फर्स्ट है कॉन्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल क्या होते हैं, कॉन्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आपस नैरो हो जाते हैं थोड़े। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ टेम्पररी प्लेटलेट प्लग, कि टेम्पररी प्लेटलेट जो प्लेटलेट का एक प्लग बन जाता है ऊपर में लेयर में। थर्ड है एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन कैस्केड, तो कोगुलेशन में जो जो चीज़ें जरूरी है उसकी एक्टिवेशन हो जाता है। फोर्थ है फाइब्रिन प्लग बन जाता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन प्लग। ये था हमारा स्टेप्स ऑफ कोगुलेशन। अब आगे डिस्कस करते हैं हम कि कौन कौन से फैक्टर्स है, क्या उसका साइट ऑफ सिंथेसिस है, थोड़े उसके बारे में डिस्क्रिप्शन और उसके लोकेशंस के बारे में आज डिस्कस करना है। ओके, फर्स्ट फैक्टर है फाइब्रिनोजेन। क्या है हमारा फर्स्ट फैक्टर, फाइब्रिनोजेन। ये कहाँ सिंथेसिस होता है, लीवर में सिंथेसिस होता है। फिर से सुन लीजिए ध्यान से, ये लीवर में सिंथेसिस होता है। डिस्क्रिप्शन क्या है इसके बारे में, ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं इसमें। कितना, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, अल्फा बीटा एंड गामा। एंड वॉट इज द लोकेशन, इसका लोकेशन कहां पर है, फोर्थ क्रोमोसोम। सेकेंड फैक्टर है अपना प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा फैक्टर है, प्रोथ्रोम्बिन। इसका भी साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है, लीवर। इसका डिस्क्रिप्शन में हम क्या कहते हैं, विटामिन के डिपेंडेंट सीरीन प्रोटीज। ये क्या है, विटामिन के पे डिपेंड करने वाला सीरीन प्रोटीज है। इसका लोकेशन है 11th क्रोमोसोम। एंड थर्ड फैक्टर है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसका साइट ऑफ सिंथेसिस क्या होता है, डैमेज टिश्यू, जहां से कट लगा है, चोट लगी वहां पर इसका डैमेज हो जाता है, तो वहीं से क्या रिलीज होता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्या है, एक सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन है और ये कहां पाया जाता है, फर्स्ट क्रोमोजोम में। फैक्टर फोर कैल्शियम आयन्स। कैल्शियम आयन एक को फैक्टर की तरह काम करता है जो हम लोग को डाइट से या हमारे हड्डियों से यानी बोन से या प्लेटलेट से हमें मिल जाता है। एसेंशियल्स इन लो कंसंट्रेशन फॉर नॉर्मल ब्लड कोगुलेशन, ये लो कंसंट्रेशन में ही हमें चाहिए होता है एक नॉर्मल ब्लड कोगुलेशन के लिए। और ये क्या होता है, हमें डाइट्स वगैरह से मिल रहा है इसीलिए इसका कोई क्रोमोसोम लोकेशन नहीं है। अब आते हैं फैक्टर फाइव में, कि फैक्टर फाइव प्रो एसेलेरिन, और ये कहाँ साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है, इसका लीवर एंड प्लेटलेट्स। डिस्क्रिप्शन है इसका,
एंजाइमेटिकली इनएक्टिव, ये इनएक्टिव रहता है, और ये कहाँ मिलता है लोकेशन, फर्स्ट क्रोमोसोम में। अब आते हैं अपना फैक्टर सेवन, ये इसको कहते हैं हम स्टेबल फैक्टर। इसका भी साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है, लिवर है। डिस्क्रिप्शन क्या है, विटामिन के डिपेंडेंट सीरीन प्रोटीज, ये विटामिन के पे डिपेंडेंट है और सीरीज प्रोटीन है, और इसका लोकेशन क्या है, 13th क्रोमोसोम। अब आते हैं 8th फैक्टर, इसको बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक का मतलब होता है हीमोफेलिया के अगेंस्ट काम करने वाला। हीमोफेलिया मतलब अगर आपको एक बार चोट लग गई तो आपका खून लगातार बहता है, उसमें क्लॉटिंग नहीं होती है, तो उसको जो रोकता है उसको कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। तो ये क्या है, एक एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। इसका भी साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है, लीवर। और इसके इसके बारे में क्या है, को फैक्टर इन द एक्टिवेशन, इन द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर एक्स। ये क्या करता है, को फैक्टर है फैक्टर एक्स को एक्टिवेट करने के लिए। ये कहाँ पाया जाता है, लॉन्ग आर्म्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ये लॉन्ग आर्म्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है। फैक्टर नाइन्थ क्या है इसका, क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं, क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं इसको, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट भी कहते हैं। ये कहाँ साइट ऑफ सिंथेसिस है इसका, लिवर। और ये कैसा है, प्रोइंजाइम सीरीन प्रोटीएज, एक प्रोइंजाइम है, प्रोइंजाइम मतलब जो इनएक्टिव इंजाइम है, और ये कहाँ पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है। फैक्टर एक्स ये क्या है, इसको कहते हैं स्टुअर्ट प्रोअर फैक्टर। क्या कहते हैं इसको, स्टुअर्ट प्रोअर फैक्टर। ये कहाँ पाया जाता है, लिवर। एक्टिवेटेड टू फैक्टर एक्स ए, ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है फैक्टर एक्स ए को। और ये क्या है, कहाँ पाया जाता है, 13th क्रोमोसोम में। फैक्टर 11 जो कि प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट है, जो कहाँ पाया जाता है, कहाँ सिंथेसिस होता है इसका, लीवर। और ये कैसा है, ये सीरीन प्रोटीएज जाइमोजिन, जो कहाँ पाया जाता है, 4th क्रोमोसोम में। फैक्टर 12 हेगेमैन फैक्टर, साइट ऑफ सिंथेसिस लीवर, जाइमोजिन फॉर्म ऑफ फैक्टर 12A। ठीक है, ये क्या करता है, फैक्टर 12A का फॉर्म है, और ये कहाँ पाया जाता है, लॉन्ग आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम, 5th क्रोमोसोम में ये पाया जाता है। और फैक्टर 12 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये फाइब्रिन जो बनता है उसको स्टेबलाइज करता है, इसे इसको फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। ये लीवर में सिंथेसाइज होता है, और इस 2 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा। और ये क्या है अपना, ये कहाँ पाया जाता है, इसके दो फॉर्म रहते हैं बताया, ए बी। तो एफ कहाँ, 6th क्रोमोसोम, बीटा फॉर्म इसका क्या है, 1st क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो आज की वीडियो आप, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। ओके स्टूडेंट्स।